नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी बजट से रिलेटेड भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में यहाँ पे, जैसा कि कोई SSC का एग्जाम हो या फिर NTPC का एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे बजट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके, क्या पता कि एक क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाए बजट का। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बजट से रिलेटेड आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि आज़ादी के बाद देश में अब तक का कौन सा अंतरिम बजट पेश हुआ है। तो दोस्तों आज़ादी के बाद यहाँ पे 15वां बजट पेश हुआ, अभी अंतरिम बजट 15वां बजट पेश हुआ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, बजट 2019 में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 2019 के बजट में गायों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी रखी गई है। तो दोस्तों 2019 के बजट में जो रक्षा बजट की जो राशि रखी गई है वह है 3 लाख करोड़ रुपए की, जो राशि है वो रक्षा बजट की राशि यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019 में अगले 5 साल में सरकार ने कितने डिजिटल गांव बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगले 5 साल में सरकार ने 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की घोषणा की है 2019 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट 2019 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 2019 के जो बजट में यहाँ पे तो 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है, और उस योजना का नाम है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019 में मजदूरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो दोस्तों मजदूरों के लिए जो लॉन्च की गई है योजना, उसका नाम है यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योजना महाधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना, यहाँ पे मजदूरों के लिए योजना लॉन्च की गई है बजट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 19,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पे आवंटित की गई है बजट 2019 में, 19,000 करोड़ रुपए दोस्तों याद रख लेना एक बार के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर दोस्तों 10 आयामों की यहाँ पर घोषणा की गई है अंतरिम बजट 2019 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर यहाँ पे कितने लाख रुपए तक कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे इनकम टैक्स छूट की सीमा कर दी गई है। अगर 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2019 में घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया है। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट बढ़ाकर करी गई है वो है 2.4 लाख रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे बजट 2019 में घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.8 लाख से बढ़ाकर यहाँ पे 2.4 लाख कर दिया गया दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बजट 2019 में मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों नरेगा के तहत यहाँ पे लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, PM किसान योजना के तहत सीमांत किसानों को कितने 1,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि दी जाएगी। तो यहाँ पे है 6,000 रुपये की यहाँ पे सीमांत किसानों को यहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पे राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 750 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका आंसर है 19,000 करोड़ रुपये यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लगभग 19,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट 2019-20 में यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बजट 2019 में 2200 एम्स कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो 2019 में दोस्तों जो 2200 एम्स स्थापित करने की जो घोषणा की गई है वो हरियाणा में घोषणा की गई है कि हरियाणा में यहाँ पे 2200 एम्स घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो था 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, पहला बजट प्रो फिलिप ब्रिटेन ने कब पेश किया था? तो पहला बजट यहाँ पे पेश किया था ब्रिटेन ने 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा कब रखा गया? तो भारत का जो पहला बजट था जेम्स विल्सन के द्वारा यहाँ पे 1860 में रखा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया? तो दोस्तों इसका आंसर है, स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट था वो आर के षणमुखम शेट्टी ने यहाँ पे पहला बजट पेश किया था। भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने यहाँ पे पहला गणतंत्र बजट 1950 में यहाँ पे पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे तीन, देश के तीन प्रधानमंत्रियों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हुए अपना यहाँ पे बजट पेश किया था उन्होंने, देश के तीन प्रधानमंत्रियों ने, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस मंत्री के नाम है? तो दोस्तों सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया है उसका नाम है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से शुरू की गई है? तो बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की जो परंपरा शुरू की गई है वो 1999 से की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने उनका नाम बताइए। तो दो ऐसे वित्त मंत्री, उनका नाम है यहाँ पे ए और बी, दोनों आर के वेंकटरमन और दूसरा है प्रणब मुखर्जी, दोनों के दोनों वित्त मंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कब हुई? तो दोस्तों यहाँ पे 2017 से यहाँ पे बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी हो गई थी। बजट का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बजट का अर्थ होता है यहाँ पे चमड़े का थैला, यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ जीके के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री कौन रही है? तो दोस्तों इसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एकमात्र यहाँ पे महिला वित्त मंत्री रही हुई है भारत की। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जैसे एग्ज़ाम की दृष्टि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों हम आपको बना के प्रोवाइड करवाएंगे। जीके के, जीएस के जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एनटीपीसी के रिलेटेड, तो यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।